हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम कंप्यूटर में कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, और पिछले कल मैंने आपको बताया था कि आपकी मेन मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, हमने उसके बारे में जाना था। फिर मैंने उसमें आपको रैम और रोम का बताया था कि वो आपकी मेन मेमोरी में आता है, आपकी मेन मेमोरी क्यों ज़रूरी होती है। कैश मेमोरी के बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ा था। तो मुझे लगता है दोस्तों, जो लोग गेट इट क्लियर के वीडियो देख रहे हैं उनको ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे क्लियर होती रही होंगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इतनी डिटेल से इन टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या बोलता है फ्रेंड्स, हम मेमोरी को ही कवर अप कर रहे हैं। आपको पता है कि सिर्फ मैंने आपको कल मेमोरी का ओवरव्यू दिया था और मैंने आपको कैश मेमोरी के बारे में पढ़ाया था। तो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह की मेमोरी होती है। कल मैंने आपको प्राइमरी का मतलब भी बताया था कि वो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके बिना आपका कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, आपके कंप्यूटर की वर्किंग के लिए प्राइमरी मेमोरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकेंडरी मेमोरी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कंप्यूटर में अगर पेन ड्राइव नहीं होगा, सीडी नहीं होगी, स्टिल आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क करेगा। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी में बात करते हैं हम कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आपकी फ्रेंड्स आती है रोम और रैम। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। अगर हम फर्दर रोम को डिवाइड करें तो रोम आपकी डिवाइड होती है थ्री सेक्शन में, दैट इज़ प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। ठीक है, तो दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन का जो है वो थोड़ा सा चार्ट बता रही हूँ यहाँ पर। रैम की बात करें तो दोस्तों ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप तीसरा पार्ट देख सकते हो कैश मैम बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका रैम में ही आती है, इस चीज़ को आप ना भूलिएगा, जो कैश मेमोरी होती है। ठीक है, ये आपके रोम में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर बात करें हम सेकेंडरी मेमोरी की तो ये आपकी आती है डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, और आगे जो डिस्क ड्राइव होती है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है फ्लॉपी में, हार्ड डिस्क में, सीडी रोम में। और आपकी सीडी रोम होती है आपको पता है रीड ओनली और राइट ओनली, दोनों में ये अवेलेबल होती है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके जो है इन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और क्लियर भी करेंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में। रैम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है रेंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स इसको ऐसा क्यों बोलते हैं रेंडम, रेंडम मतलब होता है अव्यवस्थित। ठीक है, तो ये जो होती है आपकी इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, और किस लिए होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम और किसी भी तरह का रिजल्ट जो होता है उसको स्टोर करने के लिए होती है। ठीक है, प्रोग्राम रिजल्ट, इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके डेटा को स्टोर करके रखती है तब तक जब तक आपकी मशीन जो है वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि इस मेमोरी में ऐसा होता है कि आप ये वाली मेमोरी आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है अगर आपका पावर लॉस हो जाता है या आपका सडनली अब मशीन है, मशीन में किसी तरह का भी डिफॉल्ट आ जाता है, पावर फेलियर, मशीन फेलियर, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उस केस में जो होता है उसका डेटा जो होता है वो आप लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी काम करें आप रैम पे तो हमेशा अपने डेटा को सेव करते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब जैसे आपका पावर लॉस हो जाए और पावर फेलियर हो जाए और आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाए। ठीक है, अब हम एक्सेस टाइम की बात करें तो फ्रेंड्स जो आपका एक्सेस टाइम होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है एड्रेस पे। इसका मतलब है कि आप पहले मैंने आपको बताया कि अगर मेमोरी का एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा तो वो क्या करेगी, उस एड्रेस पे तुरंत जाएगी और वहाँ से आपको रिजल्ट जो है वो फेच करके दे देगी। तो इसमें ये वाली मेमोरी जो होती है ये इतनी फास्ट मेमोरी होती है आपकी कि ये अब अगर आपने इससे कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांगी है तो ये वो वाली इंफॉर्मेशन जो होगी वो एकदम से तुरंत ही आपको लाके दे देगी विदाउट एनी एड्रेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रैम जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है आपके एड्रेस पे। ठीक है, तो इसका जो आप ये भी बात याद रखिएगा कि ये सेम अमाउंट टाइम में ही आपको जो होती है वो रिजल्ट फेच करके दे देती है, इसमें घबराने वाली बात कोई है नहीं। ठीक है, तो जो है
ये वाली मेमोरी जो होती है, आपको पता है कि जो डेटा होता है रैम में, वो आपका कैसे आप रेंडमली एक्सेस करते हो, बट इसकी स्पीड की वजह से ये वाली मेमोरी जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है? तो याद रखिएगा, और रैम आपकी वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि डेटा लॉस हो जाता है, पर कभी कभी आपको पता है कि अब हमारे मशीन्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर आपने अपने आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो इन केस में हम क्या लगा देते हैं, यूपीएस का यूज़ कर देते हैं, जिसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम, ठीक है? जो भी होता है ये आपका, तो ये जो होता है आपका, ये आपको कुछ मिनट तक जो है वो आपके कंप्यूटर को सप्लाई देता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे जो है वो आप उस टाइम में अपना डेटा जो है उसको सेव कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों आपसे यूपीएस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो उसको मत भूलिएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या सिस्टम, ठीक है? जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो रैम जो होती है वो आपकी स्मॉल होती है, ठीक है? रैम, और क्या बोलते हैं, चाहे फिजिकल साइज ले लो, चाहे आप डेटा को स्टोर करने का बात कर लें, तो इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। और ये दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके लिए आपको इमेज भी लगा के रखी है, और मैंने आपको यहाँ भी बताया कि आपका जो मैम रैम होती है वो आपके, जब मैंने मदरबोर्ड बढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसको कहाँ पर लगाया जाता है, तो आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे रैम। रैम की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है? रैम को क्लासीफाई किया है डी रैम, एस रैम में, ठीक है? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है? तो जो आपकी फर्दर डायनेमिक रैम है उसको भी हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डी डी आर, एस डी रैम, सी डी रैम, एस डी रैम, आर डी रैम, ए डी रैम, ई डी ओ डी रैम, एफ पी एम डी रैम, ठीक है? फिर यहाँ आप देख सकते हैं डी डी आर एस डी रैम को भी तीन चार इसमें डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ डी डी आर 1, डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4। दोस्तों हम इस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला चार्ट लगाने का मेरा यही मतलब था, क्योंकि कभी कभी आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है तो बताइए कि इसमें से कौन सा जो है वो डी रैम की में नहीं आता है, ठीक है? तो अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानना कि ए डी रैम की जगह जो है वो पी डी रैम लिख दिया है, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पी डी रैम तो कहीं है नहीं है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलती से उसको भी है ना गलत कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ठीक है, मैं अभी आपको इसका जो फुल फॉर्म होगी वो सारी चीज़ें बताऊंगी वन बाय वन करके। तो चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम रैम के दो टाइप कवर अप करने वाले हैं, दैट इज स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हम देखेंगे स्टैटिक रैम के बारे में, जिसको हम एस रैम भी बोलते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स, आपका जो वर्ड होता है वो स्टैटिक क्या बता रहा है आपको, मतलब इसका ये है कि ये मेमोरी में क्या करके रखेगा, रिटेन करके रखेगा, किसके जो कंटेंट आपका होता है, जो आप उस कंटेंट में लिख रहे हो या जो भी आप वहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है? कब तक रखेगा उस कंटेंट को, रिटेन करके रखेगा, जब तक उसके पास पावर मिल रही है, ठीक है? तो ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि डेटा लॉस हो जाता है जब आपकी पावर जो होती है वो अगर फेलियर हो जाए या किसी तरह का मशीन फेलियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है रैम जो होती है बाय नेचर वो क्या होती है, वोलेटाइल ही होती है नेचर के अंदर, ठीक है? तो जो आपका एस रैम होता है, अगर हम स्टैटिक रैम चिप की बात करें, तो ये क्या यूज़ करता है, आपका मैट्रिक्स को यूज़ करता है, और ये कितने 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करता है, ठीक है? मैट्रिक्स आपको पता है कि जैसे 3x3 के, 2x2 के, जैसे 2x3 के लगा दिए, तो यूज करेगा मैट्रिक्स को, ठीक है? मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर को, और इसमें जो होता है वो आप कैपेसिटर्स का यूज़ नहीं करते। दोस्तों क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि बताइए आप ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कौन सी मेमोरी में करते हो, तो वहाँ पर ऑप्शन में दे देंगे आपको स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, प्रोम, ऐसे ऐसे करके चीज़ें को दे देंगे रिलेट करके। तो आपने वहाँ से याद रखना है कि हम कैपेसिटर का यूज़ जो है वो स्टैटिक रैम में नहीं करते, ठीक है? जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसको आपका क्या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, पावर की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपने इसकी लीकेज को प्रिवेंट करना है तो, ठीक है? और एस रैम जो होता है इसको आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं होती है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? तो आपका रिफ्रेश रिफ्रेश से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि बताइए
बताइए कौन सी मेमोरी को आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो एस रैम होगा, ठीक है। ना ही इसको किसी पावर की ज़रूरत है इसके लीकेज को प्रिवेंट करने की, और ना ही इसको क्या है आपको रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ना ही इसमें क्या यूज़ होते हैं आपके कैपेसिटर्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये मैट्रिक्स फॉर्म करती है तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो होता है वो एस रैम में हमारे को मोर चिप्स का यूज़ करना पड़ता है अगर हम डी रैम के कंपैरिजन में देखें, ठीक है। ये बोल रहा है कि मतलब अगर आपको सेम स्टोरेज बनानी है एस रैम की, तो उसके कंपेरिजन में आपको ज़्यादा चिप्स वहाँ पर लगानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, तो उसकी वजह से इसकी मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो हायर हो जाती है, ठीक है। और एक बात बताएं, हम एस रैम जो होती है वो एज अ कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ होती है, और आपको पता है कि वो कितनी फास्ट मेमोरी होती है हमारी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एस रैम आपको अवेलेबल होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको पता है कि हर चीज़ में नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, तो यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है नॉन वॉलेटाइल एस रैम, ठीक है। तो नंबर टू पे है आपको स्यूडो एस रैम, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन वॉलेटाइल एस रैम के बारे में जान लेते हैं कि क्या बात क्या होती है ये। फ्रेंड्स, ये जो आपकी नॉन वॉलेटाइल एस रैम होती है, ये आपकी क्या करती है, इंस्टेंटली कैप्चर और प्रिजर्व करके रखती है एस जो आपका स्टैटिक रैम का जो डेटा होता है उसको, ठीक है। याद रखना आप, ठीक है। जब भी आपका पावर सप्लाई होगा अनइंटरप्ट, जैसे कि आपको पता है कि आपका पावर सप्लाई में इंटरप्शन आ जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये क्या करती है आपकी नॉन वॉलेटाइल एस रैम, ये आपके स्टैटिक रैम का जो भी डेटा होता है उसको इंस्टेंटली कैप्चर और प्रिजर्व करके रख लेती है उसकी कॉपी को, ताकि इन फ्यूचर जैसे ही आपके कंप्यूटर को कोई पावर सप्लाई मिले तो वो आपका डेटा को रिकॉल करके आपको शो कर दे। ये बात होती है नॉन वॉलेटाइल एस रैम के काम करने की, ठीक है। हम स्यूडो एस रैम की बात करें तो स्यूडो जो एस रैम होती है इसमें इसके पास जो होता है वो सेल्फ रिफ्रेश सर्किट होता है जो आपके यूज़र को ये टास्क करने से बचा देती है, ठीक है। और ये आपकी जो होती है इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है आपके स्टैटिक रैम से, ठीक है। अब जो स्टैटिक रैम है वो खुद डिवाइड हुई हुई है दो पार्ट्स में, अगर हम उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर देखें, ठीक है। तो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस दो होता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस का काम होता है कि इसमें जो आपका एड्रेस ट्रांजिशन होता है ये आपका कंट्रोल करके रखता है किसको, डेटा इन को और डेटा आउट को, ठीक है। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है आपका क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब आप ये चीज़ देख रहे हो कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ये किसी भी तरह का सिंक्रोनाइजेशन नहीं बना रहा। यहाँ पर क्लियरली बोला है कि इंडिपेंडेंट होता है आपके क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। अगर हम सिंक्रोनस की बात करें तो इसमें जो सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, डेटा होता है, एड्रेस होता है, वो आपका सारे के सारे लिंक होते हैं किसके साथ, क्लॉक सिग्नल्स के साथ। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसका एप्लीकेशन एरिया भी देख लेते हैं कि एस रैम जो है वो जनरली यूज़ कहाँ होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एस रैम का मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया है, अगर आप कहीं आपको दिखे तो आप एकदम से पहचान सकते हैं कि एस रैम है आपकी, ठीक है। तो एस रैम जो होती है वो जनरली आपके स्मॉल साइज़ के एप्लीकेशन जैसे कि CPU, कैश मेमोरी, हार्ड ड्राइव, बफर्स होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, प्रिंटर्स, मॉडर्म राउटर्स, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है ये, और डिजिटल कैमराज जो होते हैं वहाँ पर आप एस रैम का यूज़ जनरली देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। और हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है। ये आपकी जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। फ्रेंड्स, ये एज अ कैश मेमोरी यूज़ होती है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में आप देख ही रहे होंगे, इसका लार्ज साइज होता है दोस्तों, ठीक है, अगर हम बाकी चीज़ों के साथ इसको कंपेयर करें। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसके बारे में भी हम नीचे देखेंगे कि क्यों एक्सपेंसिव होती है और ये हाई पावर कंजप्शन
कर लेती है। ठीक है, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा दोस्तों इसका डिसएडवांटेज यही आ रहा है कि इसका जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इतनी कॉम्प्लिसिटी होने के बाद इसमें जो होता है इसकी स्टोरेज अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है अगर हम एक चिप के में डेटा को स्टोर करने की बात करें तो। ठीक है, इसलिए जो SRAM चिप जो होती है वो ज़्यादा डेटा नहीं होल्ड कर पाती अगर हम कंपैरिजन करें DRAM का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये डेटा को कम होल्ड करके रखती है एज़ कम्पेयर टू DRAM। ठीक है, और साइज़ में तो पता है दोस्तों ये बड़ी ही होती है आपके, क्योंकि इसमें जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी आपके अवेलेबल होता है। तो दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है वो टोटली SRAM का जो है वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। कल हम डायनामिक रैम के बारे में जानेंगे और फ्रेंड्स उसको भी हम बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे फ्रेंड्स।